और देवघर के एम्स में राज्य का दूसरा 108 फीट लंबा ध्वज राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास, एम्स डायरेक्टर उपस्थित रहे। सेवा पखवाड़ा में एम्स परिसर में राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एम्स कैंपस में रहने वाले डॉक्टर, कर्मचारी और लोगों की नजर जब इस राष्ट्र ध्वज पे पड़ेगी तो देशभक्ति का जज्बा और बढ़ जाएगा। पचहत्तर साल हो गए आज़ादी को और सेवा पखवाड़ा चल रहा है माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का। और एम्स जो है वो झारखंड के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए तो गौरव की बात है ही। और उस एम्स परिसर में झारखंड का सबसे ऊंचा, मतलब एक और भी जो है वो इतना ही ऊंचा है, यदि हम तिरंगा फहराते हैं, स्वाभाविक है कि ये फ़ख्र का विषय है, ये सम्मान का विषय है, इज्जत का विषय है। और ये दिखाता है कि देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम नहीं। सबसे ज़्यादा गौरवान्वित आज ही मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल एम्स की प्रांगण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और एम्स में एक ऐसा एक प्रतीक लगा जो हम सब में देशभक्ति की भावना को जगाता है। और हम सब जो एम्स से जुड़े हुए हैं, हम सब एक समाज सेवा का संकल्प लेके यहाँ जुड़े हुए हैं और ये हमको हमेशा प्रेरणा देगा जब इसको देंगे। कि हमेशा ये पूछा जाता है कि हम लोग के भारतीयों से कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें देश ने क्या दिया। ये तिरंगा का दिन देवघर के लिए ऐतिहासिक है और मैंने अभी कहा कि राष्ट्रीय शान के प्रतीक हैं तिरंगा। और दूसरे रूप में जिस परिसर में हम खड़े हैं एम्स, वो भी राष्ट्र की पहचान है। तो यहाँ 108 फीट का तिरंगा का आज लगना अपने आप में एक गौरव की बात है। और मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सरकारी कार्यक्रमों के तहत लोगों का जाना होता है, माल्यार्पण उसी पैसों से किया जाता है। वो स्वयं अगर अपने पैसे से वैसे महान पुरुषों जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में कामयाबी हासिल की है, अगर ऐसे करेंगे अपने पैसे से, तो निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा और देश और मजबूत होगा और निश्चित रूप से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत मना रहा है वो एक प्रेरणादायी होगा। हमेशा हमको याद दिलाएगा अपने देश को।